कैसा रहा 2022? कैसा जा रहा है 2022? बस आखिरी पड़ाव पर ही है। आशा करती हूँ अच्छा गया होगा। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि 2023 के बारे में बताइए। तो देखिए, 2022 हम सबको पता है एज पर न्यूमरोलॉजी 6 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा साल था। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी हमने क्रैक करी, ग्रैब करी। उसके बाद अब जो साल आने वाला है 2023, आज बात करेंगे उसके बारे में कि कैसा जाएगा, किन प्रोफेशंस में आपको जाना चाहिए यदि आप प्रोफेशन चूज करने वाले हैं, या फिर अगर उस प्रोफेशन में है तो कैसा जाएगा। हाय एवरीवन, दिस इज गीतिका भाटिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिवाइन स्पेक्ट। अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इन 2 महीनों में हम बात करने वाले हैं आने वाले साल की। आने वाले साल के लिए किन साइंस का, जोडियक साइंस के लिए वो कैसा रहेगा, 2023 कौन रूल करने वाला है, क्या प्रेडिक्शंस रहेंगी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। 2023, जैसा कि हम सब जानते हैं कि टोटल बनता है 7, 7, 7 को रूल करता है केतु एज पर न्यूमरोलॉजी। तो जब 7 नंबर केतु का है तो ये जो साल है इस पे पूरे साल पे प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा केतु का। सभी कुंडलियों में जहां जहां पर भी जिस जिस हाउस में केतु बैठेंगे वहां पर, और जब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पर, वहां पर भी केतु का इम्पैक्ट हमें दिखेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 7 नंबर, जिन लोगों का नंबर 7 है वो कैसे इम्पैक्टेड होंगे, उनको क्या उनकी लाइफ पे, उनके आने वाले ईयर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। देखिए, 7 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा उनको बच के रहना होगा, थोड़ा धोखा या कुछ इस तरह की चीजों से, किसी रिलेशन में, किसी दोस्ती में, या फिर कहीं किसी बिजनेस में। तो इसलिए आप थोड़ा सा कहीं से आपको कोई धोखा ना मिले तो बहुत आराम से सोच समझ के डिसीजंस भी लीजिए और बहुत सोच समझ के कदम उठाइएगा, तो पहली चीज। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि 2023 जो है, जब केतु की बात हो रही तो प्रोफेशंस की बात करते हैं कि किन प्रोफेशन वालों के लिए ये अच्छा जाने वाला है। तो स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि केतु रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आध्यात्मिक का। तो स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, हिडन स्टडीज। हिडन स्टडीज का क्या मतलब हुआ, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो स्टडीज थोड़ी सी पीछे की तरफ, नीचे की तरफ, थोड़ी छुपी हुई जिसे कहते हैं, वैसी वाली प्रोफेशंस के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है ये साल। तो अगर आप कोई स्टूडेंट हैं और अभी प्रोफेशन चूज करने वाले हैं तो आप इन प्रोफेशंस में से भी चूज कर सकते हैं। इन प्रोफेशंस में आप जा सकते हैं, जो लोग फार्मास्यूटिकल में हैं, दवाइयों के बिजनेस में हैं, वो लोग भी देखेंगे कि ये अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, उनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। देखिए, डिपेंड करता है, क्योंकि नंबर्स आपकी लाइफ पे, डेली लाइफ पे इम्पैक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो जब आप लिखते हैं, जब आप डेट लिखते हैं, कैसे वो साल आपके ऊपर इम्पैक्ट करने वाला है, जब आप डेली लाइफ में आप तारीख लिख रहे हैं तो उसको आप किस तरीके से लिखेंगे। यदि आप नंबर 7 हैं तो 2023 पूरा लिखिए, या फिर आप इन प्रोफेशंस जो मैंने आपको बताए इनसे जुड़े हुए हैं तो भी आप 2023 लिखिए। जो प्रोफेशंस मैंने बताए, मैं दोबारा से बता रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी में अगर आप स्पिरिचुअल हीलर हैं, रेकी हीलर हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजर हैं, या इंजीनियरिंग में हैं, दवाइयों से रिलेटेड किसी बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, तो वो लोग 2023 पूरा लिखें अपनी डेट में। और जो लोग रिलेट करते हैं इन प्रोफेशन से, जो कम्युनिकेशंस के प्रोफेशंस हैं, जैसे कि रिपोर्टिंग, जर्नलिज्म, मीडिया, मूवी, तो वो लोग, वो प्रोफेशन के लोग लिखें 23, सिर्फ 23, क्योंकि 23 का जो टोटल बनता है वो है 2+3 यानी 5, और 5, 5 नंबर जो है वो बुध का नंबर है, और बुध जो है वो कम्युनिकेशंस या इन सारे प्रोफेशन से रिलेट करता है, और वैसे भी बहुत बैलेंस्ड रहने वाला है। अगर आप या तो नंबर 5 हैं और या फिर
आप इन प्रोफेशन से रिलेट करते हैं तो आप इसको जरूर यूज करें इसी तरीके से, तो भी ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है, खास रहने वाला है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ये दो चीजें आप जरूर फॉलो कीजिए। और वैसे अगर हम बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे चेंजेस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि केतु जो है वो तुला राशि में, इस समय तुला राशि में है लीब्रा में। तो हम देखेंगे कि जिस जिस हाउस में भी, जिस भी कुंडली के होगा, तो वहाँ पे वैसा ही इम्पैक्ट देगा। तो वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी सारी आपको चीज़ें दिखेंगी जो कि बहुत ट्रांसफॉर्म कर देंगी इस साल के बाद में। हम देखेंगे कि दुनिया में काफ़ी चेंजेस आएंगे। पहले तो बहुत खराब लगेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जब भी केतु में चेंजेस आते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो वो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, मेहनत, या फिर आप कहेंगे कि देखने में बहुत खराब लगता है, एक मैसी सी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन जब उसके बाद जो चेंज आता है वो चेंज बहुत अच्छा होता है। तो काफ़ी चीज़ें हमें, काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी इसमें। तो ये तो कुछ छोटी सी बातें थी जो मैंने आपको बताई, थोड़ा सा एक ट्रेलर था। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेटरी वीडियो हम वेरी सून वी आर गोइंग टू अपलोड अबाउट 2023, जिसमें हम बताएंगे कि सारी जोडियक साइंस के लिए कैसा रहेगा ये साल और बाकी नंबर्स के लिए भी कैसा रहने वाला है। सो तब तक आप वेट कीजिए फॉर द नेक्स्ट वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी ग्रेट डे।